पुणे में तांबे की परंपरा आज से 400 साल पहले शुरू हुई थी, जब यह जगह पेशवा की राजधानी हुआ करती थी। आज कस्बा पेट की गलियों से गुजरते हुए हम उन कारीगरों से मिलेंगे जिन्होंने इस परंपरा को जिंदा रखा है और आज भी तांबे की चीजें बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। 25 वर्ष झाले मी ये काम करतो, पूरा फैमिली में हम काम करने वाले हैं, सब तांबा पीतल और चांदी का काम करते हैं। कॉपर की शुरुआत कारीगरों के इसी परंपरा को दोबारा जीवित करने के उद्देश्य के साथ हुई थी, जहां पारंपरिक कलाओं को आधुनिक डिजाइन में प्रस्तुत किया गया। कॉपर के संस्थापक एक प्रोडक्ट डिजाइनर हैं, जो पिछले दशक से इन कारीगरों के साथ काम कर रहे हैं। Copper's founder, who is Rashmi Ranade and is a designer, he has been working with these artisans for more than a decade. So our products are very well crafted, thanks to our artisans. They have great design and they are very well packaged, because we believe that that's how our crafts should be presented, beautifully packaged. मैं ये काम 18 साल का था तब से सीख रहा हूँ। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया। पुश्तों से हम ये काम कर रहे हैं। जो भी जॉब आता है, डिजाइनिंग का हो, हैंडवर्क हो, कार्विंग हो, ये इस टाइप का किसी भी काम में मैं ये हूँ। एक सामाजिक उद्यम होने के नाते इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके प्रभाव और पहुँच में कई गुना इजाफा करता है। अपने प्रोडक्ट और ब्रांड का प्रचार प्रसार करने के लिए ये फेसबुक का जमकर इस्तेमाल करते हैं। We like to engage and converse with our customers, you know. So we now and then we have quizzes. We, you know, take them through the craft precincts, through pictures, any events that we have, we post pictures. And there has been a huge organic reach through all of this because people like to know about a craft, about a heritage, and it's nice to see that people are interested in these things. But there are a lot of qualitative aspects that go into brand building and awareness that we'd like to attribute Facebook for the reach and the awareness. इस पारंपरिक शिल्प को एक समकालीन रूप देकर कॉपर ने ना सिर्फ एक शिल्प के नवजागरण में मदद की है, बल्कि कई शिल्पकारों और कारीगरों का जीवन भी संभाला है। इनकी कंपनी साल दर साल 60% की गति से बढ़ती आई है और आगे चलकर नए मुकामों तक पहुंचना चाहती है।